हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज की रीडिंग जो है हम करने वाले हैं, देखेंगे आज के अपनी रीडिंग में कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ठीक है। और आज जो है हमारी रीडिंग टैरो कार्ड रीडिंग रहेगी। देखेंगे टैरो कार्ड रीडिंग से कि आपके पार्टनर क्या कुछ सोच रहे हैं, क्या कुछ उनकी फीलिंग्स हैं, उनके इमोशन से क्या कुछ उनकी एनर्जी है, ठीक है। रीडिंग का टॉपिक यही रहेगा, ठीक है। सो जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव रीडिंग होगी, इस बात का ख्याल रखना है। और जिनके साथ भी रीडिंग रेजोनेट करती है, चैनल को सब्सक्राइब करें, कंजूसी नहीं चलेगी। ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है। आप लोग यार फैमिली मेंबर हो आप लोग मेरे, तो आप लोग तो कम से कम चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट तो कर ही सकते हो। सो मैं चाहूँगी कि आप लोग ज़रूर जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। बेल आइकन को ज़रूर ऑन करना आप सब, क्योंकि बेल आइकन ऑन नहीं करते हैं आप लोग, ठीक है। बेल आइकन ऑन करोगे तो आप लोग मुझसे कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। चलो ब्रेसलेट की जानकारी दे देती हूँ। यही ब्रेसलेट अवेलेबल है, लव ब्रेसलेट, ठीक है। ऐसे मनी से रिलेटेड ब्रेसलेट भी है, तो आप लोग ले सकते हैं, ठीक। चलिए ब्रेसलेट के बारे में उतना ज़्यादा आज बात नहीं करेंगे, आज हम बातें करेंगे अपनी हीलिंग के बारे में। हीलिंग करूँगी, उसके बाद से करूँगी मैं आपकी रीडिंग, ओके। तो चलिए करते हैं हीलिंग को स्टार्ट, ओके। आज थोड़ी सी हीलिंग करते हैं, ओम शांति। चलिए थोड़ी सी मैंने हीलिंग की, चलिए करते हैं आज रीडिंग को स्टार्ट। रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करेंगे हम, देखेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं, क्या है फ्यूचर, ठीक है, इस रिलेशनशिप का। सारी चीज़ें जो है हम आज के अपनी इस रीडिंग में देखने वाले हैं, ठीक है। तो फुल फोकस कीजिए आप अपने पार्टनर के ऊपर, और फोकस करने के बाद से आप ये रीडिंग को कंटिन्यू करें और शुरू से लेकर आखिरी तक देखिए, ताकि सारी चीज़ें जो हैं आपके साथ मैच हो और आपको पता चल सके कि आखिर मैटर है क्या, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, ओके। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। ज्यादा कार्ड्स हैं तो इसको मैं नहीं ले रही हूँ, कार्ड्स को, ज्यादा कार्ड्स है ना, ओके। प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स एंड सिस्टर्स। ज्यादा कार्ड्स आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आज। चलिए कार्ड्स निकालते हैं, हम देखते हैं कि क्या है आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, क्या कुछ है उनके दिल दिमाग में, है ना। चलिए निकालते हैं कार्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं। बॉटम ऑफ द डेक है व्हील ऑफ फॉर्चून, बहुत ही खूबसूरत सा कार्ड आया है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड, जो कि बता रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं कर्मा जुड़ा हुआ है, ठीक है। कर्मा चल रहा है अभी आप दोनों का, क्योंकि फोर ऑफ कप्स का भी कार्ड आया है, जो कि मुझे यही सेम एनर्जी बता रहा है
कर्मा से रिलेटेड, ठीक है। कहीं ना कहीं आप दोनों का डिवाइन कनेक्शन है, कहीं ना कहीं आप दोनों जो है बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हो, और आपकी लाइफ में बहुत टाइम से मुझे लगता है कि सेपरेशन चल रहा है या जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इसकी वजह से जो है ब्लॉकेजेस हैं, और इसकी वजह से यहाँ पे जो है ना एनर्जी अच्छे से जो है यहाँ पे जा नहीं पा रही है, यानी कि आपको जो है ना फील नहीं हो पा रहा है वो जो आप चाहते हो, यानी कि आप अपने रिलेशनशिप में इम्प्रूवमेंट चाहते हो लेकिन आपको इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रही है, ठीक। तो कहीं ना कहीं जो है ना वो प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ रही है। ओके, 10 स्टार का कार्ड है, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, ओके, एस ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, 8 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सॉर्ट्स, द एम्प्रेस एंड लास्ट कार्ड है यहाँ पे किंग ऑफ सॉर्ट्स, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ की एनर्जी के अनुसार से देख लो, कार्ड आपके सामने है, कार्ड की एनर्जी बता रही है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एनर्जी है, यानी कि देखो साइन बता देती हूँ, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन एंड है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, सारे साइन अवेलेबल हैं मेरे पास, ठीक है, सारे साइन अवेलेबल हैं यहाँ पे। तो आपके पार्टनर का कोई भी साइन हो सकता है, हिंदी में हो या इंग्लिश में हो, कोई भी साइन हो आपका, ठीक है, ये हो सकता है, ठीक। तो यहाँ यही दिख रहा है, आपके पार्टनर मुझे बहुत देख रही हूँ मैं कि डीपली सोच रहे हैं, ठीक है, इनका सोच सोच करके बुरा हाल हो रहा है, ये पर्सन बहुत ज़्यादा बुरी सिचुएशन में है, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं बहुत सारी सिचुएशंस को जो है ना यहाँ पे फेस कर रहे हैं, और बहुत सारी सिचुएशंस को फेस करने के बाद से यहाँ पे जो है ना आपके पार्टनर आपको एक क्लियर वे में जो है ना बता नहीं पा रहे हैं, ठीक है। और मुझे दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर है यही दिख रहा है, और यहाँ पे ऐसा भी है ना कि आपके जो पार्टनर है ना आपको लेकर के कहीं ना कहीं एक जो है ना एक जो होता है ना कि हाँ कनेक्शन बना पाना, या फिर एक एक फीलिंग है ना आपको वो फीलिंग फील करवाना है ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि फीलिंग फील करवाना। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुझे कमी दिख रहा है इस पर्सन की एनर्जी के अनुसार, ये पर्सन अभी सोच रहे हैं, बस डीपली सोच रहे हैं कि मुझे इस रिलेशनशिप में मैं अपने एफर्ट्स डालने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, एफर्ट्स डाल रहा हूँ या डालने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो मैं चाहता हूँ वो मुझे मिलेगा या नहीं मिलेगा, चाहता हूँ या चाहती हूँ, आप अपने जेंडर के अनुसार से चेंज कर लेना वर्ड्स को, ठीक है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि आपके पार्टनर यही सोच रहे हैं कि क्या इस रिलेशनशिप में जाना मेरे लिए परफेक्ट रहेगा, फ्रूटफुल रहेगा या नहीं रहेगा, क्योंकि एक तरफ इनको फील होता है कि आपके साथ इनका गहरा कनेक्शन है, ठीक है, गहरा कनेक्शन है। गहरा कनेक्शन होने का मतलब यही है कि आप और ये दोनों एक दूसरे के लिए एक जो होता है ना कि हाँ एक बहुत ही डीपली है ना सोचने लगते हो कि हाँ यार ये तो मेरा पार्टनर ऐसा है, मेरा पार्टनर वैसा है ना, तो एक जो होता है ना कि डीपली थिंकिंग, ठीक है। तो वो एनर्जी मुझे फील हो रही है आपके पार्टनर की, मुझे नजर आ रहा है आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से। और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में मुझे कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग है, ठीक है, चाहत है यहाँ पे, आगे बढ़ने की चाहत है, आगे बढ़ने वाली एनर्जी पे जो है ना इनका फोकस मुझे नजर आ रहा है। ये पर्सन का मैं ये भी देख पा रही हूँ कि कहीं ना कहीं देखो ये पर्सन एक जो होता है ना कि सैड वाली एनर्जी में है ये पर्सन, ठीक है, सैड वाली एनर्जी मुझे फील हो रही है, दर्द फील हो रहा है, तकलीफ फील हो रही है, बहुत ज़्यादा एक रिग्रेट फील हो रहा है, इनको लग रहा है कि हाँ ये पर्सन जो है ना आपको लेकर के सही अपना डिसीजन नहीं बना पा रहे हैं, सही थिंकिंग नहीं बना पा रहे हैं, और इसी की वजह से यहाँ पे ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं, और उसी की वजह से चैलेंजेस आ रहे हैं आप दोनों के रिलेशनशिप में यहाँ पे, ठीक है। आपके जो पार्टनर हैं मैं इनको ये भी देख पा रही हूँ कि क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके जो पार्टनर हैं यहाँ पे देखो मिस बहुत करते हैं, आपके साथ नो कांटेक्ट में है और ये पर्सन मिस बहुत कर रहे हैं, मिस इस तरीके से कर रहे हैं जैसे होता है ना कि हाँ बहुत सारी सिचुएशंस एक साथ चल रही है इनके साथ, ठीक है, बहुत सारी सिचुएशन का सामना कर रहे हैं, जैसे कि इनकी फैमिली साफ मना कर रही है कि तुम्हारे साथ तो रिलेशन बन नहीं सकता, ठीक है, तुम्हारे साथ रिलेशन नहीं हो सकता, तुम क्या कहना चाह रहे हो, तुम क्या करना चाह रहे हो, ठीक। तो
एक इस पर्सन के सामने वो भी प्रेशर है, ठीक है, फैमिली का भी प्रेशर दिख रहा है, फैमिली भी इनके ऊपर चढ़ी हुई है ना। तो एक तरीके से दिख रहा है कि ये पर्सन जो है ना बहुत परेशान है, अपनी सिचुएशन को फेस करते 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 कई हद तक जो है ना फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं ये पर्सन। और यहाँ पे जो है ना इनका सोच सोच करके सर में दर्द हो जाता है, ठीक है, सर दर्द करने लगता है। आपको पता है कि हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा सर ही दर्द करता है, तो वही है कि सर दर्द होता है इस पर्सन को। यहाँ पे ये पर्सन का ऑरा ब्लॉक है और इसकी वजह से इस रिलेशनशिप में यहाँ पे प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हैं, यहाँ पे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, यहाँ पे ऐसा मुझे फील हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन का सोचना ये भी है कि जैसे कि बातें होनी चाहिए, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 8 ऑफ वैंड्स है तो बातें तो होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए, होनी चाहिए ना। लेकिन लेकिन अपने तरफ से कोई एफर्ट्स नहीं डालना है इस पर्सन को, अपने तरफ से कोई जो है ना यहाँ पे डिसीजन नहीं जो है लेना है, और डिसीजन ना लेकर के, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बताना है कि हाँ ठीक है मैं तुम्हारे लिए स्टैंड लूंगा लूंगा लूंगा, लेकिन यहाँ पे जो है ना यहाँ पे मतलब कि बहुत ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा एक जो होता है ना कि हार्डली सा, ठीक है, हार्डली सा यहाँ पे ये पर्सन नेचर अपना दिखा रहे हैं, जैसे इनको कोई मतलब ही नहीं है, इन्होंने कभी प्यार ही नहीं किया आपसे, ठीक है, वैसा भी दिखा रहे हैं। लेकिन ये पर्सन सोच रहे हैं ये जो नेचर ये दिखा रहे हैं ना कितना ज्यादा रूड है, कितना गलत है ये, ठीक है। क्योंकि आप जो हो, आपके तरफ इस पर्सन ने पहले प्रपोजल दिया था ना कि आपने दिया था, इस पर्सन ने खुद ही बोला कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ कंटिन्यू करना है या रिलेशनशिप में आना है, फिर भी ये पर्सन अभी जो है ना इस तरीके से अपना रुख पूरी की पूरी तरीके से चेंज करके बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है ना यहाँ पे डिस्टर्बेंस ला रहे हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है द स्टार का कार्ड एंड मतलब ऐसा है कि आपकी जो मैनिफेस्टेशन है, जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, आप जिस तरीके से वाइब्रेशन भेज रहे हो यहाँ पे, जो बातें कर रहे हो मंत्र के द्वारा, ठीक है, मंत्राज मैंने आपको जो है अपने जो चैनल पे आपको दिखाया था, अपने दूसरे चैनल पे म्यूजिक चैनल पे आप लोग जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि हाँ वहाँ पे कितने ज्यादा म्यूजिक डाले गए हैं, ठीक है। आजकल म्यूजिक नहीं आ रहे हैं लेकिन फिर से आएंगे, ठीक है, टाइम नहीं मिल रहा है आजकल इसलिए मैं म्यूजिक नहीं डाल रही हूँ, लेकिन डालूंगी, ठीक है। मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि यहाँ ऐसा है कि आपके जो पार्टनर हैं बस इनके माइंड में है कि मैं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ता हूँ तो मेरा फ्यूचर बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक, क्योंकि यहाँ की एनर्जी यही है कि ये पर्सन रिस्क नहीं लेना चाह रहे हैं, ठीक है। एक एक होता ना कि बनी बनाई रोटी ये पर्सन खाना चाहते हैं, ठीक है, अपने से खुद से मेहनत नहीं करना है, आटा कहाँ से आएगा, फिर उसमें जो है उसको पकाने के लिए क्या क्या चाहिए वो नहीं करना चाहते हैं, ये बस इनको बना के दे दो और बस ये खाएंगे, वो वाला जो है ना सिचुएशन ये चाहते हैं आपसे, ठीक है। मुझे यहाँ पे ये फील हो रहा है। चलिए कुछ और कार्ड्स निकालते हैं, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। फ्यूचर के बारे में इनका क्या है, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं ये आगे जाने के बारे में या नहीं? जिस तरीके से फैमिली इश्यूज आ रहे हैं क्या यहीं पे ये खत्म हो जाएगा रिश्ता? प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। सेवन ऑफ कप्स, इनकी फैमिली तो इनको सजेस्ट भी कर रही है, अदर जो है ना जैसे होता ना कि हाँ अरे बेटा तुम्हारे पास या बेटी तुम्हारे पास तो एक होना है कि तुम तो इसके साथ भी जा सकते हो, शादी ही तो करनी है, किसी के साथ रहना ही तो है, उससे बेटर तो ये ऑप्शन है ना। तो एज अ ऑप्शन इनके सामने रखा जा रहा है, यानी कि इनके शादी के लिए कोई जो है किसी और पर्सन को कहा जा रहा है कि हाँ तुम इससे शादी कर लो, उससे शादी कर लो, है ना, पिक्स वगैरह दिखाई जा रही हैं, मैरिज फिक्स करने की कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अभी भी परेशान है, ये पर्सन सोच रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए, इनको क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि अभी ही वक्त है जब ये डिसीजन ले सकते हैं, बाद में कुछ नहीं हो सकता। अगर इनकी शादी किसी के साथ फिक्स हो गई तो नहीं टूट सकती, ठीक है, नहीं टूट सकती। अगर ये पर्सन ने अभी स्टैंड नहीं लिया ना फिर तो खत्म, रिश्ता खत्म, ठीक है। यहाँ पे ये पर्सन की थिंकिंग ऐसी है कि मुझे स्टैंड लेना होगा, या तो अपनी फैमिली के लिए या तो अपने पर्सन के लिए, दोनों में से किसी के लिए जो है स्टैंड लेना होगा। चलिए और कार्ड्स निकालते हैं। नाइन ऑफ कप्स, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं ये पर्सन, देख लो
ये पर्सन जो है ना ईगो में बैठे हैं, इनका ईगो इतना ज्यादा पता नहीं क्यों है, ईगो लोग लेके पाल के बैठ के क्या करते हैं पता नहीं। यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन की चाहत है आपके साथ न्यू बिगनिंग करने की, लेकिन ये पर्सन एकदम से ईगो में बैठा हुआ है, एकदम से ईगो इनका सर पे चढ़ा हुआ है कि हाँ भाई मुझे क्या करना है, मुझे क्या फर्क पड़ता है, ए वाला है इनका। ठीक है, यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ही ज्यादा जो एक है ना कि अपना दिखा रहे हैं, बस दिखा रहे हैं कि हाँ मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है मैं मैनेज कर लूंगा या मैनेज कर लूंगी किसी और के साथ शादी करके, है ना आगे ही तो बढ़ना है, ऐसी भी इनकी थिंकिंग हो रही है फ्यूचर को लेकर के कि ठीक है किसी और के साथ हो गई तो क्या कर सकते हैं, ये वाली फीलिंग जो है ना मुझे नजर आ रही है आपके पार्टनर की। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, आपके जो पार्टनर है नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में है, यानी कि आपके पार्टनर जो है ना सोच रहे हैं यहाँ पे फ्यूचर में जो है ना ये पर्सन एक्शन ले सकते हैं, यहाँ पे काफी ज्यादा इनको तकलीफ और जो है दर्द जिस तरीके से फील हो रहा है, जिस तरीके से फील होगा इनको फ्यूचर में भी आपके बगैर, ठीक है उस तरीके से ये पर्सन एक्शन और डिसीजन लेना स्टार्ट कर देंगे। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम आ रही है, जो सिचुएशन आ रही है, कहीं ना कहीं जो है ना ये पर्सन को परेशान जरूर कर रही है। ठीक है, टेन ऑफ वैंड्स, एकदम से बहुत तकलीफ में है ये पर्सन, बहुत ज्यादा तकलीफ में है और फ्यूचर को लेकर के भी जो है ना ये पर्सन के ऊपर बर्डन जरूर आएगा, परेशानी जरूर आएगी इस पर्सन के ऊपर, और परेशानी इस तरीके से आएगी कि ये पर्सन मजबूर हो जाएंगे। क्या, किस लिए मजबूर हो जाएंगे, तो आपको कॉन्टैक्ट करने के लिए, आपसे बात करने के लिए, ये पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहेंगे, हो सकता है कि उस वक्त आप जो है मना कर दो या आप किसी और के साथ बढ़ गए होंगे, ठीक है, लेकिन फ्यूचर में ये पर्सन आएंगे अपने जो है सिचुएशन बताने आएंगे, अपने जो है फीलिंग्स बताने आएंगे, ये कहने आएंगे कि हाँ मुझसे गलती हो गई या फिर मैंने जो है ना अनजाने में जो है ये सारी चीजें की हैं तो मुझे माफ कर दो, है ना, एक थोड़ा सा जो है ना वो बनाने की कोशिश करेंगे, माहौल बनाने की कोशिश करेंगे कि हाँ इनको थोड़ा सा दुख है, तकलीफ है, आपसे अलग हो गए हैं, है ना, आपसे आपके साथ कंटिन्यू नहीं किया, तो ये थोड़ा सा दिखाने की कोशिश जरूर करेंगे आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि ये पर्सन के ऊपर बर्डन बहुत आने वाला है फ्यूचर में, अगर ये पर्सन अभी स्टैंड नहीं ले रहे हैं, जिस तरीके से ये पर्सन अभी कंफ्यूजन में है, अगर ये पर्सन ने अभी स्टैंड नहीं लिया ना, आगे इनकी जिंदगी जो है ना खतरे में है, यानी कि खतरे का मतलब यही है कि ये पर्सन जिंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे आपके बगैर। ठीक है, यहाँ पे क्लियर आंसर है कि ये पर्सन खुश नहीं रह पाएंगे, इनको मैनेज करके ही चलना पड़ेगा अपनी लाइफ में, और मैनेज करके कितना चलेंगे, कोई कितना चल सकता है मैनेज करके, कितना कोई मैनेज कर सकता है, मुझे तो नहीं लगता कि हर कोई बहुत ज्यादा मैनेज कर सकता है, थोड़ा बहुत मैनेज कर सकता है लेकिन ज्यादा मैनेज नहीं कर सकता है, क्योंकि जो रिलेशनशिप में अपना दिल लगा हुआ है, जो रिलेशनशिप में अपना जाना चाहते हैं हम, है ना, अगर उसको छोड़कर किसी और के साथ धकेला जाना तो वो रिलेशनशिप नहीं होता है। ठीक है, कहीं ना कहीं वो सेक्रीफाइसेस में बदल जाता है, और सेक्रीफाइसेस पता है कि जिंदगी में सेक्रीफाइसेस अच्छी नहीं होती हैं, हर सेक्रीफाइसेस, ठीक है, और ये वैसी ही ये सेक्रीफाइसेस अच्छी नहीं होंगी इनके लिए। ठीक, तो मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं फ्यूचर में आपके पास आएंगे, इनका डिसीजन चेंज होगा, यानी कि अभी जो है जिस तरीके से ये पर्सन स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, ठीक उस तरीके से थोड़ा सा इनके अंदर वो चेंज आएगा कि हाँ ये पर्सन डिसीजन लेने में थोड़ा सा है ना आपको ये बोल सकते हैं कि हाँ मुझे तुम्हारे साथ कंटिन्यू करना है या तुम मेरी लाइफ में आना चाहती हो क्या। ठीक है, तो ये एक बार पूछेंगे फ्यूचर में, ठीक आपको लेकर के ये पर्सन पूछेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उस वक्त आप इनकी लाइफ में आओगे, क्योंकि उस वक्त बहुत ज्यादा देर हो गया होगा, लगभग ये पर्सन आने वाले होंगे भी ना तो आपको ज्यादा वेट करना पड़ेगा। मैं कार्ड निकालती हूँ कि कितना वेट करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है इस पर्सन को, चलिए इसी कार्ड से देखते हैं कितना वेट करना पड़ेगा आपको, प्लीज मुझे गाइड करें एंजल्स। एक साल वेट करना पड़ सकता है आपको, पूरे पूरे एक साल, यानी कि अगर मैं देखूँ ना तो फरवरी मार्च, अगले साल फरवरी मार्च तक आपको वेट करना पड़ेगा। ठीक है, फरवरी मार्च अप्रैल, यहाँ पे आपको जजमेंट मिलता हुआ दिख रहा है, तो पूरे एक साल अगर आप वेट कर लेते हो, एक साल से ज्यादा टाइमिंग हो रही है, अभी तो मार्च चल ही रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे मैं देखूँ ना तो अप्रैल के भी चांसेस हैं तो मैं आपको यही कहूंगी अगले साल आपको वेट करना, अगले साल तक वेट करना होगा, और इतना टाइम अगर आप रुक सकते हो तो रुक जाओ यहाँ के एनर्जी के अनुसार से, लेकिन ये पर्सन को मैं यही देख पा रही हूँ कि उस वक्त
काफी देर से आएंगे, काफी देर से, ठीक है, जब ट्रेन छूट चुकी होगी तब ये चढ़ना चाहेंगे। तो यहाँ पे वही है कि इनके नसीब, इनका नसीब इन्होंने खुद खराब कर रखा है और कर रहे हैं अभी भी। अगर ये स्टैंड नहीं ले रहे ना तो अपना नसीब ही खराब कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे यही देख पा रही हूँ आपके कार्ड्स में। तो यहाँ की रीडिंग के अनुसार से ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं फिर अगली रीडिंग में, रेजोनेट की है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय।